क्वेश्चन नंबर 9, देर आर 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स इन अ बॉक्स. सो 5 वाइट 3 ब्लैक बॉल्स, टोटल 8. 3 बॉल्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स. नाउ 5 वाइट एंड 3 ब्लैक हैं, ब्लैक बॉल्स निकाल, 3 बॉल निकालने हैं हमें रैंडमली, एक एक करके. पहले एक बॉल निकाला, देखा वो कौन सा है, दूसरा निकाला, तीसरा, ऐसे करके निकालने हैं. सो एक्सपेक्टेशन क्या होगी, ब्लैक बॉल्स कितने आ सकते हैं. सो टोटल कितने निकालने हैं हमें, 3 बॉल्स निकालने हैं. अब एक्सपेक्टेशन क्या होगी, अब सपोज करो हमने एक बॉल निकाला और वो वाइट हो गया, तो ब्लैक बॉल कितने हुए. अगर आप वाइट निकाल रहे हो, समझो आप तीन बॉल एक साथ निकाल रहे हो, ठीक है, आपने एक बॉक्स में 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स डाल कर रखे हैं. अब बिना देखे रैंडमली 3 बॉल निकाले आपने और तीनों वाइट निकले. अब तीनों वाइट निकल गए तो ब्लैक कितने निकले, 0. हमें एक्सपेक्टेशन किसकी चाहिए, ब्लैक की. अब वापस रख दिए, अब दूसरी बार फिर से 3 बॉल निकाले. अब इस बार ये हो गया कि एक ब्लैक बॉल आ गया और बाकी के 2 वाइट हैं. सो एक ब्लैक बॉल का एक्सपेक्टेशन है. फिर से किया तो ब्लैक बॉल कितने आ सकते हैं, सो 2 ब्लैक बॉल्स आ सकते हैं, एक वाइट निकल गया. फिर से रिपीट किया, अब तीनों ब्लैक बॉल्स निकल गए. सो ब्लैक बॉल की एक्सपेक्टेशंस क्या हो गई, 0 निकल सकते हैं, 1 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, इसके सिवाय और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी. आप इस एक्सपेरिमेंट को 100 बार भी रिपीट करोगे ना तो यही होने वाला है, या तो तीनों वाइट निकल जाएंगे मीन्स ब्लैक बॉल 0 निकला, या ऐसा होगा कि 2 वाइट निकल गए, 1 ब्लैक बॉल निकल गया, तो भी क्या होगा, 1. सो मिनिमम क्या होगा, 0 और मैक्सिमम 3. इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, नहीं हो सकती. सो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई कि मिनिमम 0 निकल सकते हैं, मैक्सिमम 3 निकल सकते हैं. नाउ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो 0 ब्लैक बॉल है, अब हमने 3 बॉल निकाले, तीनों वाइट निकले होंगे, सो वाइट है कितने, 5. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5C3, तीनों वाइट बॉल निकले. प्रोबेबिलिटी का रिवीजन हो रहा है, यूँ समझना, ब्लैक बॉल 0 निकले, सो ब्लैक है कितने, 3. 3C0 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं, 8C3. प्रोबेबिलिटी में करते थे ना कि 5 में से 3 वाइट निकल गए, सो 5C3, 3C0 एंड 8C3. नाउ ये है चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, स्टैंडर्ड 11, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो 5C3 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप अपनी नोट डाउन कर लेना. NCR का फार्मूला होता है, NCR कुछ टीचर्स ऐसे भी लिखते हैं और कुछ टीचर्स इसे NCR ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम ही है. सो NCR का फार्मूला क्या होता है, दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल, यह है NCR का फॉर्मूला, ठीक है. नाउ 5C3, तो 5C3 का वैल्यू, n की जगह 5 है, 5C3, तो 5C3 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 3 फैक्टोरियल. सो आंसर होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, और ये मल्टीप्लाई में, फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई होता है. अब 5 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, तो 5 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है, या तो हम 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक एक्सपांड कर दें, या जितनी ज़रूरत है उतना ही एक्सपांड करें, ठीक है. अब सपोज करो मैं यहाँ पूरा एक्सपांड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 1 तक एक्सपांड करना है. सो नाउ 3, 2 कैंसल,
5 इंटू 4 20 डिवाइड बाय 2, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 10। सो 5C3 का वैल्यू होता है 10, तो 5C3 की वैल्यू आई 10। ऐसे ही 3C0 का वैल्यू होगा 1। नाउ 8C3, तो पहले आप 5C3 नोट डाउन करो और मुझे 8C3 का वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ। 5C3 पहले लिखो, क्या सिर्फ इतना ही लिखना, ये टेबल्स मत बनाना अभी, सिर्फ 5C3 लिखो और मुझे 8C3 कैलकुलेट करके बताओ। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी ट्राई करो कि 8C3 का वैल्यू देखो आपको आ रहा है कैलकुलेट करना, मैं तो करवाऊंगा अभी। थ्री सी जीरो का वैल्यू 1 आएगा, आपको 8C3 करने के लिए कहा मैंने, 8C3 करना है, 3C0 का वैल्यू 1 आएगा। फैक्टोरियल में कभी भी आंसर 0 नहीं आता है। चलो 8C3 देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। इसमें मैं दो मेथड सिखा रहा हूँ, एक ये मेथड जिसे हम हार्ड वर्क कहते हैं, दूसरा एक शॉर्टकट मेथड जिसे स्मार्ट वर्क कहा जाता है। इजीली आपका कैलकुलेट हो जाएगा। सो 8C3 कैलकुलेट करना है। सो 8C3 कैसे कैलकुलेट करोगे, 8C3 इज इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल। नाउ हम क्या करेंगे, 8 को एक्सपांड करेंगे, लेकिन कहाँ तक, 5 तक सिर्फ, क्योंकि 5 को हमें कैंसिल करना है। अगर आपने 11th में परमिटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ दिया होगा, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं आगे काम में नहीं आएगा, या 12th में प्रोबेबिलिटी नहीं किया होगा जिसमें ये कैसे सॉल्व होगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी यहाँ पर सॉल्व करने में। अगर आपने वो किया हुआ है तो जल्दी रिकॉल हो जाएगा। 8 फैक्टोरियल को कैंसिल करना है। सो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 से आगे मैंने नहीं लिखा, और डिवाइड में भी 5 फैक्टोरियल है। चलो मैं लिख भी देता हूँ 5 4 3 2 1, यहाँ भी लिखूँगा 5 4 3 2 1, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे ना वैसे भी। सो 5 फैक्टोरियल को एक्सपांड करने के बदले मैंने यहाँ ही कैंसिल कर दिया, एंड 3 इंटू 2 इंटू 1 को एक्सपांड कर दिया। नाउ 5 फैक्टोरियल क्यों किया, क्योंकि न्यूमरेटर में 8 है, डिनोमिनेटर में 2 है, एक है 3 दूसरा है 5, तो हायर वैल्यू कौन सी है, 5, तो 5 को कैंसिल कर दिया मैंने। ओके, सो 5 को कैंसिल किया, अब वैल्यू बची 8 इंटू 7 इंटू 6, और अगर आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना है तो 5 4 3 2 1 लिख दो, फिर नीचे भी 5 4 3 2 1 लिख दो और सबको कैंसिल करो, सम लेंथी हो जाएगा। नाउ 3 2 6 कैंसिल हो गया, 3 2 6, सो 8 7 56। तो ये तो हो गया एक लॉन्ग मेथड।
अब हम आ जाते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड से 8C3 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है। तो शॉर्टकट मेथड में ध्यान देना आपको क्या करना है। पहले आपको न्यूमरेटर में 8 लिखना है और डिनोमिनेटर में 3 लिखना है। ये वैल्यू न्यूमरेटर में, ये वैल्यू डिनोमिनेटर में। फर्स्ट स्टेप समझ में आया। उसके बाद क्या करना है, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ना उसे 1 तक ले जाना है। 3 × 2 × 1। अगर यहाँ 5 होते तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 मीन्स जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसे 1 तक ले जाओ। ओके एंड जो न्यूमरेटर में वैल्यू है ना, यहाँ पर क्या वैल्यू है, 3, तो इसे 3 टाइम्स लोअर साइड ले जाओ। एक है 8, दूसरा होगा इसका लोअर वैल्यू क्या होती है 7, इससे लोअर वैल्यू 6, लेकिन हम 3 वैल्यू ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है 3। ये शॉर्टकट मेथड है। देखो आप डायरेक्ट इस स्टेप पर आ जाओगे, आपको सारा सम सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो 3 × 2 = 6, 8 × 7 = 56। शॉर्टकट फिर से बता रहा हूँ, न्यूमरेटर में 8 लिखोगे, डिनोमिनेटर में 3, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को 1 तक ले जाओ, न्यूमरेटर वाली वैल्यू को लोअर साइड 3 टाइम्स। अब एक और करके देखते हैं, जैसे हमने अभी 5C3 किया, तो 5C3 का शॉर्टकट ले लेते हैं। ओके सो 5C3, तो न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में 3, ये वैल्यू न्यूमरेटर में लिख दी और ये वैल्यू डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर वैल्यू को 1 ले जाना है, 3 × 2 × 1 एंड न्यूमरेटर वाली वैल्यू को 3 टाइम्स लोअर साइड। सो 3 टाइम्स क्या होगा, 5 × 4 × 3, सो 3 कैंसिल, 5 × 4 = 20/2, 10। देखो है 10 वैल्यू। शॉर्टकट ज़्यादा इजी रहेगा आपको। 8C3 की वैल्यू आई 56, सो आंसर हो गया 10/56। अब ये तो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, जस्ट मीन के लिए क्या करना होगा, XI × PXI करना है, वो अलग स्टेप करना है। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी फर्स्ट सम में आपको डायरेक्ट दिया हुआ था, सो अगर एग्जाम में सीधी प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो आपका सम तो बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी में ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 ब्लैक बॉल। अब 1 ब्लैक बॉल आ रहा है, तो ब्लैक बॉल है कितने, 3, 3 में से 1 आ रहा है तो वाइट कितने आए होंगे, 2, सो 5C2, 2 वाइट बॉल्स, 3C1 एक ब्लैक बॉल, टोटल 8C3। नाउ 5C2 का शॉर्टकट वैल्यू देखते हैं क्या आएगा। 5C2 कैसे सिखाया, न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में 2, डिनोमिनेटर की वैल्यू को 1 तक ले जाओ, 2 × 1 एंड न्यूमरेटर को 2 टाइम्स, 5 × 4, 5 × 4 = 20, 20/2। कैसे एक ही स्टेप में आंसर आ रहा है, 10। 3C1 का वैल्यू होगा 3, 8C3 तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट करके ही आए, बार बार नहीं करना है आपको एग्जाम में, 56, 30/56। नाउ नेक्स्ट इज 2 ब्लैक बॉल्स। अगर 2 ब्लैक बॉल है तो वाइट एक निकला होगा, सो वाइट है 5 × 5C1 × 3C2/8C3। नाउ 5C1 का वैल्यू होगा 5, 3C2 का वैल्यू होगा 3, 8C3 की वैल्यू है 56, सो 15/56। नाउ 3 ब्लैक बॉल्स निकले। अब 3 ब्लैक बॉल्स हैं तो वाइट तो 0 निकल गया, तो 5C0 3C3/8C3, सो 5C0 का वैल्यू 1, 3C3 का वैल्यू भी 1, 8C3 की वैल्यू 56, सो ये हो जाएगा 1/56। अब आप देखो कि प्रोबेबिलिटी का टोटल जो है ना वो 1 ही आ रहा होगा, 10 + 30 = 40, 40 + 15 = 55 + 1 = 56, 56/56 वैल्यू 1 आएगी। सो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज 1 आएगा। अब ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट। क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए कहा है,
एक्सपेक्टेशंस, एंड एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं हमारे, क्या कैलकुलेट करना है, ई एक्स मीन कैलकुलेट करना है, और उसके लिए हमें करना होगा एक्स आई इंटू पी एक्स आई, और यही हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि एक्सपेक्टेशंस क्या हुई। सो एक्स आई इंटू पी एक्स आई, जीरो इंटू टेन अपॉन 56, जीरो, वन इंटू 30, तो 30 डिवाइड बाय 56, टू इंटू 15, 30 डिवाइड बाय 56, एंड 3 इंटू 1, 3 डिवाइड बाय 56। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, सो टोटल करो, डिवाइड में तो 56 है, सो 30 प्लस 30 60 प्लस 3 63 डिवाइड बाय 56, सो एक्सपेक्टेशन 63 डिवाइड बाय 56। कोई टेबल लग रहा है, 9 का लग रहा है, 7 का, 7 का लग रहा है, ठीक है, क्या होगा, 7 9 जा 7 8 जा, सो ये है हमारी एक्सपेक्टेशन। देखो है आंसर। अब इस समय अगर एग्जाम में यही सब मुझे पूछना हो और थोड़ा इजी कर देना हो तो ये वॉल्स हटा दूंगा, सीधी प्रोबेबिलिटी दे दूंगा, ये एक्स आई ये पी एक्स आई, एक्सपेक्टेशंस बताओ क्या है, सब इजी हो जाएगा ना। और हार्ड करना हो तो फिर ये ब्लैक बॉल वाइट बॉल्स कॉम्बिनेशन, इसमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए आपको, क्योंकि आपने 11 12th में किया है, हो सकता है थोड़ा रिकॉल करने में टाइम लगे, लेकिन प्रैक्टिस करना है इसमें। चलो नाउ नोट डाउन कर लो।